जहां एक तरफ इजराइल अकेले ही मिशन पर चला है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत और बांग्लादेश के बीच में आ गया है और बांग्लादेश को क्या ऑफर कर रहा है, क्यों बांग्लादेश को इतना बड़ा ऑफर कर रहा है अमेरिका, क्या भारत के लिए खतरे की बात है या अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने जो हाल किया है, अब चीन से मदद मांगी है पाकिस्तान ने, लेकिन मदद भी कैसी मांगी है, ऐसी मदद जिससे चीन कोसों दूर भागेगा, से तो खुद के जान की पड़ी हुई है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त जो संबंध है, वो संबंध कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि दोस्ती वाले संबंध है। ये संबंध ऐसे हैं कि भारत को भी अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। अब ये जो इलाका देख रहे हैं, हिंद महासागर का इलाका और भारत के आसपास का इलाका, इसे तो सभी जान चुके हैं कि यहाँ के ज्यादातर इलाकों पर, ज्यादातर देशों में घुसना चाह रहा है चीन, और वो पैसे के बल पर घुसना चाह रहा है। कई जगह पे घुस भी चुका है, जैसे बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका को इतना कर्ज ही दे रखा है कि श्रीलंका अब वापस मुड़कर जा नहीं पा रहा है। भारत हालांकि लगातार अब मदद करके श्रीलंका पूरी तरीके से तबाह होने से बचाने का काम कर रहा है। अब ऐसा है कि इस इलाके में चल रहा है पैसे का दम, और चीन इस इलाके में पैसे तो लगा ही रहा है। श्रीलंका को जहां कब्जे में ले रखा है, तो वहीं म्यांमार को भी हाल ही में अपनी पनडुब्बी गिफ्ट की, कई सारी परियोजनाओं की बात चलने लगी। अचानक से बांग्लादेश में भी पैसों की बारिश चीन ने ज्यादा करना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया। अब भारत ये चाहता है बांग्लादेश में चीन का मंसूबा न चले, भारत ने भी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। वैसे एक तरह से देखें तो ये जो श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, ये देश हैं जिनकी अभी चांदी हो रखी है, क्योंकि ये हर हाल में कहीं न कहीं से बैठे बिठाए मदद पा रहे हैं। पर बांग्लादेश धीरे धीरे चीन की तरफ होता जा रहा है, इसे देखते हुए अब अमेरिका इस मामले में कूद रहा है। अमेरिका किसके बांग्लादेश के साथ हाल ही में रिश्ते खराब होने लगे थे, क्योंकि अमेरिका ने लगा दिया था बैन, कुछ प्रतिनिधियों पर अमेरिका ने बांग्लादेश के बैन लगा दिया था। बैन लगाने की वजह से बांग्लादेश दूर हो रहा था, लेकिन अब अमेरिका ये चाहता है कि भारत के क्लोज आए बांग्लादेश, न कि चीन के। लेकिन बात वहीं आकर अटक जाती है कि इस इलाके में कैसे करेगा अमेरिका। अगर बात करें व्यापार की, तो बांग्लादेश के साथ तो अमेरिका का कोई खास व्यापार होता नहीं है। बांग्लादेश $7 बिलियन का बेचता है सामान, तो अमेरिका इसे $1 बिलियन का बेचता है मशीनरी और स्टील, तो फिर कैसे बढ़ेगा। चीन से आप देखेंगे 0.5 बिलियन डॉलर बांग्लादेश बेचता है, तो $11 बिलियन का खरीदता है। यहीं पर है खेल, जो ये $11 बिलियन का चीन से खरीदता है, क्यों ना ये सामान अमेरिका बेचे। अब अमेरिका अगर बेचेगा, तो अमेरिका को पहले ट्रेड के जरिए घुसना होगा बांग्लादेश में, और पार के जरिए घुसना होगा इस हिंद महासागर के इलाके में, तो अमेरिका को प्रॉफिट अपना कम करना पड़ेगा। अभी अमेरिका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा प्रॉफिट में कमाता है, अमेरिका को थोड़ा संतोष करना पड़ेगा। अब जैसा कि अमेरिका अपने डिफेंस बजट में बहुत ज्यादा खर्च करता है, और समझिए कि इतना ज्यादा खर्च करता है कि चीन और रूस दोनों को मिला लेंगे, दोनों के डिफेंस बजट को देखेंगे तो भी उस पर भारी पड़ जाता है अमेरिका का डिफेंस बजट। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी रणनीति को बदल रहा है, और ये डिफेंस बजट अगले साल से अमेरिका $300 बिलियन घटाने वाला है, और $300 बिलियन को रखेगा अमेरिका इन सब कामों के लिए। वैसे कहा जा रहा है कि अमेरिका $300 बिलियन को इस्तेमाल करेगा ग्लोबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज में, लेकिन रणनीतिक रूप से ये इस्तेमाल होंगे अब हर साल चीन को काउंटर करने के लिए, इस देश में संबंध बढ़ाने के लिए, चाहे वो उद्योग से हो, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट से हो। इसके अगले टारगेट पर बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तो चीन का प्राण मांग लिया है, या फिर ये कहें दोनों किडनियां मांग लिए, क्या देगा। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान की इस वक्त अच्छी तरीके से क्लास लगी हुई है, और पाकिस्तान को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान मांग क्या रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान दौड़ चुके हैं चीन, और वो ऐसे मौके पर दौड़ चुके हैं जब उनके दो बेस पर कब्जा कर लिया है
है बलूच विद्रोहियों ने और घंटों से वो उसमें घुसे हुए हैं। बिल्डिंग में वो उसे खाली नहीं कर रहे हैं। बलूच विद्रोहियों के इस रूप को देखकर चीन तो पहले से ही हिला हुआ है। चीन ने ये कहा कि सबसे पहले मेरे नागरिकों को सुरक्षा दो, अगर तुमने मेरे नागरिकों को सुरक्षा नहीं दिया तो बलूच विद्रोही जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, हर्जाना तुम्हें अलग से देना पड़ेगा, जैसे कि पिछला हर्जाना लगाया है वैसा ही कुछ। जिसके बाद समझिए कि पाकिस्तान वैसे ही बेहाल हो गया है। पाकिस्तान ने 12,000 सैनिकों को उतार दिया सिर्फ चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो भी काम आता हुआ दिख नहीं रहा है। और चीन को भी ये समझ में आ रहा है कि बलूच विद्रोही अब आगे बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान इसे संभाल नहीं पा रहा है। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त ऐसे मोड में है कि अपने देश से बात को जिस तरीके से चीन बाहर नहीं निकलने देता है, वैसे पाकिस्तान भी नहीं निकलने दे रहा है और ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब अंडर कंट्रोल है और हम ही भारी पड़ रहे हैं बलूच विद्रोहियों के ऊपर। इन सब के बीच चीन पहुंचे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि सिर्फ $3 बिलियन का कर्जा मांगेंगे, लेकिन यहाँ तो इमरान खान कुछ और ही बड़ा मुंह खोल रहा है। इमरान खान को अब समझ में आ रहा है कि इन इलाकों में अगर डेवलपमेंट किया होता पाकिस्तान ने तो आज जो हालात हुए हैं वो हालात नहीं होते। पर अब चीन को ये कह रहा है कि आप अपनी फैक्ट्रियों को, उद्योगों को हमारे देश में लाओ। अब सोचो आप जरा, जो मांग कर रहा है पाकिस्तान उस मांग से चीन वैसे ही हिल जाएगा। एक तो जो सीपेक परियोजना शुरू करी चीन ने, उस परियोजना को ही नहीं संभाल पा रहा है पाकिस्तान और सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। अब ऊपर से और भी उद्योगों को अपने देश में लगवाने की बात कह रहा है। वैसे तो कहा जा रहा है कि 4-5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर 30-40 लाख चीनी मौजूद होंगे, लेकिन स्थिति अगर वैसी रही तो, क्योंकि बलूच विद्रोहियों ने तो सीधे ये कह दिया है कि अगर चीन यहाँ से नहीं सिमटा तो हम चीनी प्रोजेक्ट्स और चीनी लोगों पर सीधे सीधे निशाना लगाएंगे। मतलब डरे हुए चीन को और ऑफर दे रहा है कि आओ और हमारे देश में निवेश करो, उद्योग लगाओ, जो खुद बहुत बड़ी परेशानी लाने वाला है। और पाकिस्तान की ये परेशानी एक क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्र में बढ़ने वाली है। खुद दिवालिया होने के कगार पे खड़ा पाकिस्तान अब दुनिया भर से मांग रहा है फंड, और इस फंड के चक्कर में अब उद्योग भी लगाने की बात कर रहा है। तो वहीं कहा ये जा रहा है कि जल्द ही यूरोपीय यूनियन लेगा एक्शन और जो GSP प्लस की स्टेटस है पाकिस्तान की वो भी हटेगी। अब आप जरा देखिए किस किस तरफ से मार पड़ रहा है। IMF, वर्ल्ड बैंक, TTP, बलूच आर्मी, भारत और UNSC, FATF, अमेरिका ने तो बिल्कुल क्लास लगा दी है। इसे कहते हैं इतनी बुरी तरीके से मारना कि भविष्य में नामो निशान मिट जाए। अमेरिका वही कर रहा है जो उसने पाकिस्तान से पाया है। पाकिस्तान ने बहुत बुरा धोखा दिया है और उसी का नतीजा है अमेरिका उस धोखे का बदला बिल्कुल रिस कर धीरे धीरे ले रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब के बाद चीन अपने प्रोजेक्ट्स लगाना चाहेगा पाकिस्तान के अंदर? अभी तो उसने सीपेक की फंडिंग भी रोक रखी है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।